हे गाइस व्हाट्स अप। काफी समय हो गया यार आप लोगों से वन टू वन बात नहीं करा है। चलो आज के ये वीडियो में मतलब ये व्लॉग में आपसे थोड़ा बात करते हैं। यार देखो क्योंकि मैंने बोला है कि आज के वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ तो शुरू करता हूँ मैं अपने पहले चीज से। देखो मैं ना अपने लाइफ में एक नए चीज को लेके आया हूँ, स्पेशलिस्ट को लेके आया है, दैट इज WD-40 कॉन्टैक्ट क्लीनर की बात कर रहा हूँ मैं। जी हाँ यार, आप लोग भी थक चुके होंगे कि आपके घर के रिमोट या जब भी मैं PS चलाने जाता हूँ, जब भी मैं कुछ देखने जाता हूँ, रिमोट को ना बार 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 वही ठोक के चालू करना पड़ता है। बहुत इरिटेशन होता है ना आप लोगों को, मुझे भी वैसा ही होता है, इसीलिए मैं WD-40 कॉन्टैक्ट क्लीनर लेके आया हूँ। वहां पे बस आपको स्प्रे करना है, आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ना है, फिर कपड़े साफ कर देना है, रिमोट क्लीन हो जाएगा, वापस से पहले से नया चमकते दिखेगा, अब यूज कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन यू नो क्लीनिंग आउट मॉइस्चर एंड डस्ट, तो आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। आप WD-40 कॉन्टैक्ट क्लीनर को अपने रिंग लाइट्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए आपका जो रिंग लाइट का जो अडेप्टर है वहाँ पे अगर मॉइस्चर या फिर धूल जमा हो जाता है तो रिंग लाइट अच्छे से काम नहीं करता। सो आपको अगर ये चीज़ को फिक्स करना है तो आप इस पर भी स्प्रे कर सकते हो, जिस तरीके से मैंने रिमोट पे, कीबोर्ड पे, माउस पे, स्विच बोर्ड पे इस्तेमाल करा है, उसी तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। लास्ट टाइम मैंने बताया था मेरा कीबोर्ड और माउस दिक्कत दे रहा था, वहां पे भी मैंने इस्तेमाल करा था, वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया था। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने WD-40 कॉन्टैक्ट क्लीनर नहीं ऑर्डर करा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फटाफट से क्लिक करो और अपने अपने WD-40 कॉन्टैक्ट क्लीनर अपने घर लेके आए। अब देखो पिछले 6 महीने से मैं घर पे हूँ एंड मेरा ना आदत थोड़ा सा छूट गया है इन मेकिंग वीडियोज, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज में बनाता हूँ। फेब्रवरी में मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि मैं वो एक चैलेंज दे गया था ना, डेट वाला व्लॉग, जहाँ पे मैं सब रैंडम लड़कियों को जाके पूछ रहा था कि आप क्या मेरे को डेट पे चलोगे नहीं, तो यार करा था। उसके अलावा और कोई मैंने लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाया नहीं, जितने भी ब्लॉग शूट करे मेरे को खुद ही पसंद नहीं आया कि मैं आप लोगों को सामने डालूँ, मुझे ऐसे यू नो शुगर कोट करने करके बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो मेरा प्रोफेशनल लाइफ थोड़ा सा तब चल रहा था एंड मैं थोड़े से चीज़ों को लेकर के बहुत परेशान था एंड इसीलिए मेरे को घर पे आना पड़ा, जहाँ पे मैं मॉम डैड के साथ थोड़ा टाइम बिता रहा था एंड आई हैड टू फोकस एंड मेरे को फोकस मिल नहीं रहा था, मुझे काम की तलाश थी कि आई वॉज फीलिंग लॉस्ट ऑल्सो, जो कि आई मीन मैं आप लोगों को यू नो खुल के ये मतलब खुल के बताने वाला चीज़ है नहीं कि मैं पब्लिकली करूँ। वैसे आप लोगों को पता है मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर दिया था रिलेटेड टू माय सेकंड कंपनी व्हिच आई जॉइंड आफ्टर जी, वहाँ पर थोड़ा सा सीन हो गया था। एनीवेज वो तो चीज़ें चलती रहती है, आई मीन वापस से वो स्विमिंग पूल में कूदने का जरूरत है नहीं। अब देखो मैंने सोशल मीडिया पे एक अपडेट डाला था कि मैंने एनिमा गेमिंग ज्वाइन कर लिया है एंड आई हैव स्टार्टेड वर्किंग विद देम एज अ मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड मैं उनको उनके यूट्यूब पे और उनके कॉन्टेंट रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको हेल्प कर रहा हूँ, मैं खुद भी सीख रहा हूँ। तो अब एक नया जर्नी शुरुआत करा है मैंने। ऑफ कोर्स आई एम नॉट स्टॉपिंग बीइंग अ कास्टर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मैं कास्टिंग भी कर रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं अभी छोटे मोटे स्क्रिम्स कर रहा हूँ, छोटे छोटे इवेंट्स कर रहा हूँ, कि कुछ गेम्स हैं जो मैं अभी भी सीख रहा हूँ लाइक पोकेमॉन यूनाइटेड रोड टू वैलर, जो मैं करना चाहता हूँ। BGMI तो वापस आ गया है तो वो तो एक खुशी की खबर है। आई थिंक BGMI तो वापस आने के साथ साथ आई थिंक कम्युनिटी में भी रौनक छा गया और मुझे भी वापस से मोटिवेशन मिला कि यार चलो BGMI वापस आ गया है तो लेट्स स्टार्ट वर्किंग अगेन। यार बाहर शूट करना बहुत मुश्किल है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है और एक तो यार मेरा जो ये फ्लैट है वो एकदम बिल्कुल मेन रोड के बाहर है, तो बहुत जो भी बाहर से व्हीकल्स आते हैं बहुत साउंड आता है उसका। ठीक है अभी भी देखो मैं आपको दिखा देता हूँ सीधी बात, मेरे पास ये सेटअप है ठीक है, इसमें गेम्स मैं नहीं खेल सकता, नहीं तो मैं अब तक स्ट्रीम कर दिया रहता, सच बता रहा हूँ मैं अब तक स्ट्रीम कर दिया रहता। नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट, मैं वापस से मुंबई जा रहा हूँ इन एनिग्मा गेमिंग बूटकैंप एंड आई एम लविंग दिस पार्ट, कि आप लोगों को अब से रेगुलर कंटेंट देखने को मिले, थोड़ा मजा देखने को मिले, एंटरटेनमेंट देखने को मिले मेरे साइड से। अब से इंस्टाग्राम पे नहीं, अब यूट्यूब पे भी आएंगे, यूट्यूब पे भी करेंगे। अब मुंबई जा रहा हूँ तो ऑफकोर्स वहाँ पे भी जाके बूट कैंप पे नए लोगों से मिलेंगे एंड अभिषेक में प्लेयर्स भी वहाँ पे आ गए हैं तो वहाँ पे उनके साथ थोड़े मजे करेंगे एंड कम्युनिकेट करने को वापस से मौका मिलेगा। नया बूट कैंप है, आई हैव स्टेड इन अ प्रीवियस बूट कैंप ऑफकोर्स इन ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, बट वहाँ पे माहौल अलग था, वहाँ पे प्लेयर्स अलग थे, लोग अलग थे, वहाँ पे एक अलग बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अब ये एक अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो भी कह सकते हैं, ब्लॉग भी कह सकते, जो मर्जी कहना है कह लेते हैं, बट ये था मेरा अपडेट। यस गाइस सो आई एम मेकिंग अ कमबैक अगेन, कमबैक एज इन मेरी क्या बोलूँ मेरे पास वर्ड्स नहीं है, शब्द नहीं है इस वक्त, बट दैट्स इट कि मैं कमबैक कर रहा हूँ एंड मैं वापस आप लोगों को एंटरटेन करूंगा, आई प्रॉमिस दैट।
मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस टाइम गाइस, एंड दिस टाइम आई प्रॉमिस कि मैं वापस से आई विल स्टार्ट मेकिंग रेगुलर वीडियोस, रेगुलर कंटेंट, ताकि आप लोगों को मजा आने लगे, आप लोगों का भरोसा नहीं दूंगा, ट्रस्ट मी।